यूनिट 6 पढ़ रहे थे, 7, और उसके बाद में 7 यूनिट पे आ गए थे। और 7 यूनिट का जो है कुछ कंटेंट हम लोगों ने कवर कर लिया था विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आल्सो। यूनिट 7 में हम लोग ने देखा था कि ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। और इसमें हम लोगों ने जो पार्ट देख लिया है और जिसका वीडियो हम लोगों ने जो है देखा है, सब जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, क्रिएटिंग सेंडिंग ईमेल, ठीक है, तो ये सारे जो है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा वीडियो मिल गया होगा, आप लोगों ने जो है अच्छे से इसको देख लिया होगा। जो प्रैक्टिकली मैंने बताया है कि ईमेल अकाउंट कैसे आप लोग क्रिएट करेंगे, कैसे मेल बॉक्स में इनबॉक्स आउटबॉक्स का यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको पहले बता चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेन बीटेक क्लासेस में एक बार फिर से सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं लेकर के आ गया हूँ अपने ओ लेवल का कोर्स, जिसका एग्जाम जो है जुलाई में प्रस्तावित है। और ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अभी इस पर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। जैसे कोई भी नई अपडेट आती है रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ ओ लेवल जुलाई 2020, देन आई विल इन्फॉर्म यू। और अगर बात करें इन सब चीज़ों के बारे में कि लॉकडाउन बढ़ेगा घटेगा, एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसे हमें नहीं सोचना है। हमें केवल अपने जो है टॉपिक पे, अपने सिलेबस पे, अपने कंटेंट पे और अपने एग्जाम पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, और इसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें से आप कई सारी चीज़ों से आप लोग प्रभावित भी हैं और आप लोग उसको जो है प्रॉपर यूज़ भी कर रहे हैं। तो हम लोग पहले सोशल नेटवर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद में ई कॉमर्स पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं और शुरू करते हैं अपना जो है सोशल नेटवर्किंग का। तो वीटेक क्लासेस में जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका ओ लेवल जुलाई 2020 है, और जिसका यूनिट 7 में लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग को मैंने पॉइंट वाइज डिफाइन किया है, क्योंकि कुछ लोगों को पैराग्राफ में याद करने में, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज डिफाइन किया है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि 4-5 पॉइंट हैं, तो आप अगर 2-3 पॉइंट भी याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उससे जो है अपने पॉइंट क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सोशल नेटवर्किंग है, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो चल रही है देख लेते हैं कि सोशल नेटवर्किंग होता क्या है। सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, कस्टमर और क्लाइंट। इसका मतलब क्या है कि सोशल नेटवर्किंग जो है एक इंटरनेट बेस्ड सोशल साइट है, जिससे आप लोग अपने दोस्तों, फैमिली से, कलीग से जो साथ में काम करते हैं, और कस्टमर और क्लाइंट सबसे जो है आप टच में रह सकते हो। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ सोशल पर्पस और बिजनेस पर्पस और बोथ थ्रू साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एवं अदर्स। तो ये चीज़ हमने बता दी कि सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा पर्पस है जिससे आप सोशली भी कनेक्ट रह सकते हो, बिजनेस पर्पस से भी कनेक्ट रह सकते हो, या दोनों तरीके से। तो हर जगह दोनों तरीके से ही लगभग लगभग लोग जो है 90% लोग दोनों तरीके से ही अटैच रहते हैं इससे। तो इसमें बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग के आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे। तो आप लोग इन सब से परिचित हो। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है। सोशल नेटवर्किंग हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट बेस ऑफ मार्केटर्स सीकिंग टू एंगेज कस्टमर। कहने का मतलब क्या कि सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या होता है कि आप जो भी कस्टमर्स हैं वो मार्केटर्स के टच में जो है रह सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अगला क्या है। फेसबुक रिमेन्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग विद द ओवर 2 बिलियन पीपल यूजिंग द प्लेटफॉर्म। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में इसको 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर हैं। ठीक है, अगला इट वॉज द फॉलोड इन ऑर्डर द प्रॉपरली बाय इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर एंड पिंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिशिया.com। तो ये जो डेटा हमने लिया है ये स्टैटिस्टिशिया.com के अकॉर्डिंग है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं जिसको यूज कर रहे हैं लोग आजकल। तो आप लोगों के लिए कुछ सोशल नेटवर्किंग था, छोटी सी जानकारी, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसमें। ठीक है, तो इसको भी हमने पॉइंट वाइज जो है लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग इन मार्केटिंग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। एज अ ब्रांड ग्रो
स्ट्रॉन्गर मोर सेल रिजल्ट। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया कि अगर कोई चीज़ ब्रांड है तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लेती है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ किसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो फिर उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज्ड कंपनी पोस्ट एंड रैंक कंपनी हायर इन सर्च इंजन। तो जो भी कंपनीज होती हैं उनकी रैंक अकॉर्डिंग टू सर्चिंग जो है बढ़ती रहती है, उनकी रैंक हाई होती है लो होती है, जिस चीज़ को लोग ज़्यादा व्यू करते हैं विजिट करते हैं उसकी रैंक हाई हो जाती है और उसी तरीके से लो हो जाती है। अगला पॉइंट है सोशल नेटवर्किंग कैन हेल्प सो स्टेबलाइज ब्रांड लेगिमिनेट क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्थली। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि ब्रांड को लेकर के जो है स्टेबलाइज होते हैं। अगला कस्टमर में कम्प्लीमेंट एंड कंपनीज ऑफरिंग एंड इनकरेज अदर टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर जो है कंपनीज को या कंपनी जो है कस्टमर को जो है इनकरेज करते हैं, ऑफर करते हैं कि उनके जो है सर्विसेज और उनके प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाए। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो है द मोर कस्टमर आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी ऑन सोशल नेटवर्किंग द मोर वैल्यूएबल ब्रांड अथॉरिटी बिकम्स। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है अब वो किसी चीज़ को नेटवर्क के माध्यम से जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी ब्रांड अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अ कंपनी में भी सोशल नेटवर्किंग विच डिमॉन्स्ट्रेट एंड द कस्टमर सर्विसेज लेवल एंड अ रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर। कहने का मतलब क्या है कि जो है कंपनी होती है वो अगर सोशल मीडिया का यूज़ करती है, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करती है तो वो कंज्यूमर और मार्केट के बीच में जो है अच्छे रिलेशनशिप बना सकती है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है कि एग्जाम्पल इफ अ कस्टमर कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस इन ट्विटर देन द कंपनी में एड्रेस एन इशू इमेडिएटली अपोलोजाइज एंड टेक एक्शन टू मेक इट राइट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने किसी अच्छी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला और उस यूजर का क्या है किसी भी उस पे सोशल मीडिया पे अकाउंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ट्विटर, तो मान लीजिए उस कस्टमर ने ट्विटर पे ट्वीट करके उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और उस कंपनी के बारे में बता दिया और ये ट्विटर का जो है जो कमेंट है वो ट्रेंड हो गया, ट्वीट जो है वो ट्रेंड हो गया। तो जैसे ही इस कंपनी को पता चलेगा कि जो है उस पर्सन ने जो है हमारी कंपनी के लिए ऐसा ऐसा बोला है तो कंपनी का जो भी होता है ऑनर या फिर जो भी उससे रिलेटेड होता है नॉमिनी उस कंपनी का, वो तुरंत उस इंसान के पास जाता है, उसका एड्रेस फाइंड करता है, उससे जो है माफ़ी मांगता है और जो भी उससे हो सकता है वो उसके लिए करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये किसका डिसएडवांटेज भी था कंपनी वालों के लिए, लेकिन जो है फ़ायदा किस कस्टमर को होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स बोलते हैं, ई कॉमर्स मतलब ई से इलेक्ट्रॉनिक और सी से कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ई कॉमर्स इज और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग सेलिंग एंड द गुड प्रोडक्ट सर्विस ओवर द इंटरनेट। मतलब कि वो सारी सर्विसें जो इंटरनेट पे खरीदी बेची जा सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। तो ये आप ऊपर का ही पॉइंट है, फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स होता है। दिस सर्विस प्रोवाइड ओवर द इंटरनेट नेटवर्क। ये सर्विसेज क्या है, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाती है। ट्रांजेक्शन फॉर मनी फंड्स एंड डेटा आल्सो कंसिडर्ड एज अ ई कॉमर्स। तो जितने भी सारी चीज़ें होती हैं ट्रांजेक्शन में आपका मनी का हो फंड्स का हो डेटा का हो जो भी कंसिडर किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के माध्यम से ही किया जाता है। द बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन फोर वेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास नोट करके रख लीजिएगा या जैसे भी आपको चाहे इसको रख सकते हैं या फिर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चार वेज होते हैं जिससे जो है ई कॉमर्स चलता है। पहला तो होता है बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी और सी टू बी, सी टू सी सॉरी। ठीक है, तो पहला बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और उसके बाद में बिजनेस टू कस्टमर, उसके बाद कस्टमर टू कस्टमर और उसके बाद कस्टमर टू बिजनेस। इसको हमने अभी नीचे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, क्या होता है अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए। एक और देख रहे हैं द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स इज अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच इज हैपन ओवर द इंटरनेट। कहने का मतलब क्या है कि जो ई कॉमर्स होता है वो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट शॉपी मंत्रा ईबे क्विकर ओएलएक्स एग्जाम्पल हैं आपके ई कॉमर्स के। ठीक है, जो कि एक सबकी एक प्रॉपर वेबसाइट होती है जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही चलती है। ठीक है, अगर 2020 की बात करें बाय 2020 ग्लोबल रिटेल ई कॉमर्स कैन रीच अप टू 27 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अगर 2020 की बात करें
तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी ई कॉमर्स की साइट है उनका टोटल जो टर्नओवर है ठीक है पूरे विश्व में वो लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे मतलब एक एक डिजिट में लिखेंगे तो शायद काउंट करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट कर दीजिए जिसका 1 डॉलर बराबर लगभग 69 या 70 पैसे है, क्योंकि इसका जो है रेट घटता बढ़ता रहता है। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी जो है अमाउंट होती है ये सारी। है, लेट अस लर्न टू द डिटेल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ई कॉमर्स एंड इस टाइप। तो हम लोग देखेंगे आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रिक कॉमर्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज अ पॉपुलर फॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ओवर इवन इंटरनेट कॉमर्स। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। द नेम ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट इज मीटिंग टू बायर्स एंड सेलर ऑन द इंटरनेट। कहने का मतलब क्या है कि ये एक खुद का ऐसा नाम एक्सप्लेन करता है जो कि इससे पता चलता है कि जो खरीदार होते हैं और जो बिक्री कर होते हैं वो आपस में जो है खरीदारी कर लेते हैं और बेच देते हैं अपने सामान को जो है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, द इन्वॉल्व ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द गोल्ड एंड सर्विसेज, द ट्रांसफर ऑफ फंड एंड द एक्सचेंज ऑफ डेटा। कहने का मतलब क्या होता है कि जितना भी ई कॉमर्स होता है उसमें कुछ भी आप खरीद बेच सकते हैं, जैसे कि आप अपने गुड्स हुआ, सर्विसेज हुए, ट्रांसफर फंड्स और डेटा का आदान प्रदान। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डेटा मतलब आप अपना डेटा हमें दे दीजिए, हम अपना डेटा आपको दे देते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि ई कॉमर्स में अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम आपको बताते हैं कि शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा या फिर लगभग लोग जो भी अवेयर हैं उन लोगों को शायद पता होगा कि जो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आप अपना रिज्यूमे या सीवी अपलोड कर दीजिए। तो उन रिज्यूमे और सीवी का क्या होता है, इन रिज्यूमे और सीवी को कंपनीज ले लेती हैं, उसके बाद में दूसरी कंपनीज उनसे क्या करती हैं कि जो है कहते हैं कि हमें इतने यूजर्स का डेटा चाहिए, उनके बारे में डिटेल चाहिए। तो वहाँ पे क्या होती है, खरीद फरोख्त होती है इन सब चीज़ों की, आपका डेटा बेचा जाता है। और ये चीज़ हमें नहीं पता होती, हम तो फ्री में सीवी अपलोड कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि फिर वो सीवी की बिक्री होती है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होती है। तो खैर, ये छोटी सी जानकारी थी, फिर आगे देख लेते हैं। सो व्हेन यू लॉग इन टू योर अमेजन एंड प्रोडक्ट्स अ बुक, दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। हियर आर यू इंटरनेट विद अ सेलर अमेजोन एक्सचेंज दैट एक्सचेंज डेटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर टेक्स्ट एट डिलीवर्स एक्सेट्रा एंड यू मेक द पेमेंट। तो इस तरीके से ये साइट पे लोगो दिखता है, ये जो आपको ट्रॉली दिख रही है इस तरीके से दिखता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है अमेजोन और फेसबुक सॉरी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो है परचेजिंग करते हैं, तो जब भी आप करते हैं तो उस पर प्रोडक्ट्स हो जाता है, प्रोडक्ट्स की जो है स्पेसिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट्स का लोगो होता है, प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन होता है और रेटिंग होती है उसकी और उसके कमेंट्स होते हैं। आप उसको देख लेते हैं, देख के अगर आपको समझ में आता है तो उसको ऑनलाइन आप बाय कर देते हैं। तो दो तीन ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे बाय में भी कि व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड देन आफ्टर डिलीवरी पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी, जो भी है मतलब जो आपको समझ में आता है आप उसको कई बार कर देते हैं। तो इस सारी चीज़ों से लगभग सभी लोग अवेयर हैं, वो गांव के हों या शहर के हों, इससे सब लोग अवेयर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं एक जो कुछ पॉइंट हमने हाईलाइट किया है। एज ऑफ नाउ ई कॉमर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द ग्लोबल इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जिसने अपना शीर्ष योगदान दिया है और सबसे ज़्यादा आज ग्रो है, उच्च शिखर पे है, वो ई कॉमर्स है। एज पर एस्टिमेट ऑफ ग्रो इज नियरली 23% एवरी ईयर। और कहने का मतलब क्या है कि ये जो ई कॉमर्स है हर साल लगभग 23% जो है अपनी वृद्धि कर लेती है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ ई कॉमर्स के मॉडल जो हमने ऊपर बताए थे, B2B, B2C, C2C, C2B। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरी। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो हम लोग सीधा से शुरू करते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता क्या है। पहला पॉइंट इसका ये है कि दिस इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसका B2B फुल फॉर्म है। हेयर द कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर, यहाँ पे कंपनी कंपनियों के साथ में ही बिजनेस करती है। द फाइनल कंज्यूमर इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें जो है कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, एक्सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ही लोग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर वो कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाती है, दूसरा होलसेलर जो उस प्रोडक्ट को जो है होलसेल करता है, तीसरा रिटेलर जो धीरे धीरे करके छोटी छोटी शॉप से पहुँचाता है। तो ये B2B हो गया है, यहाँ पे सिंगल पर्सन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देते हैं B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर वो सारी चीज़ें, वो सारे इंसान होते हैं जैसे हम आप। ठीक है,
हेयर द कंपनी विल सेल देयर गुड्स एंड आवर सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो कंपनी होती है वो कस्टमर को डायरेक्ट अपनी सर्विसेज या गुड्स को डिलीवर करती है। ठीक है, द कस्टमर कैन बी ब्राउज देयर वेबसाइट एंड लुक प्रोडक्ट पिक्चर एंड रीड रिव्यूज। ठीक है, वही हमने बता दिया अभी कि कस्टमर जो है साइट पर जाता है, देखता है प्रोडक्ट को, उसके बाद उसके पिक्चर्स को देखता है, उसके रिव्यू देखता है, कमेंट देखता है, उसके बाद में उसको खरीदना ना खरीदना उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, देन दे प्लेस देयर ऑर्डर इन द कंपनी इन द शिप गुड्स डायरेक्टली टू देम। तो उसके बाद में वही बोला कि अगर खरीदना तो कंपनी को ऑर्डर कर देगा, नहीं खरीदना तो नहीं करेगा। ठीक है, और ये पॉपुलर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोबोंग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है, मिंत्रा वगैरह आप ले लीजिए, ओलेक्स ले लीजिए, तो बहुत सारी हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। अगला देख लेते हैं कि कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, द कस्टमर आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। कस्टमर जो है कस्टमर से डायरेक्ट जो है इंटेक्ट कर लेता है। नो कंपनी इन्वॉल्व, इसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे हमें, हमारे पास एक मोबाइल सेल फोन है और हमें आपको बेचना है, तो हमने आपसे बात कर ली और आपने हमसे अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हमने आपको बात करके जो प्रोडक्ट को बेच दिया, आपने जो है परचेस कर लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई किसी भी बड़ी कंपनी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो अगला, इट हेल्प टू पीपल सेल देयर पर्सनल गुड्स एंड एसेट डायरेक्टली इन द इंडस्ट्रीज पार्टी। तो ये हमने आपको बता दिया, इंटरेस्टेड पार्टी यूजली गुड्स ट्रेड एंड कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अपना अपना सामान बेचना है, कार बेचनी है, बाइक बेचनी है, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको बेच सकते हैं। तो यही पे ओएलएक्स, क्विकर, ये सारे मॉडल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर। अगला पॉइंट आता है कस्टमर टू बिजनेस। इसमें जो है कस्टमर क्या करता है, किसी भी कंपनी को अपना जो है कोई भी गुड्स होता है वो बेचता है। तो देखते हैं, दिस सर्विस इज बी टू सी, इज कंज्यूमर टू बिजनेस। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। दूसरा क्या होता है, सो कंज्यूमर प्रोवाइड्स अ गुड और सम सर्विसेज टू द कंपनी। तो कोई जो कंज्यूमर होता है वो कंपनी को कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स देता है। एग्जाम्पल, IT फ्रीलांसर एंड वर्ल्ड सेल ऑफ सॉफ्टवेयर टू अ कंपनी। तो जो भी IT सॉफ्टवेयर होते हैं या इस तरीके के जो भी लोग होते हैं, वो कंपनी को अपना हेल्प करते हैं, अपने गुड्स बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, दिस इज सी टू बी बी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि चार चार पॉइंट हमने लिए हैं और इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था जो कि याद ना रखा जा सके। फिर भी अगर आपको इस सब्जेक्ट्स में या इस पॉइंट से कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हमने, क्योंकि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सब के बारे में आप परिचित हैं और इसके बारे में हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, फेवर, अपवर्क, ओलेक्स और क्विकर, तो सभी के बारे में आपने जानते हैं। तो इसके बारे में आपको अगर और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर इसके बारे में आप लोग खुद ही अवेयर हैं। ठीक है, तो अब एडवांटेज देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। तो एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स प्रोवाइड द सेलर विद ग्लोबल रीच, दे रिमूव द बैरियर और प्लेस जियोग्राफी। तीसरा पॉइंट है, नाउ सेलर बायर कैन मीट इन द वर्चुअल वर्ल्ड विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ लोकेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये ई कॉमर्स क्या है, सेलर को ग्लोबल रीच प्रोवाइड करती है, कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने से कोई भी सामान आपको मंगाना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है किसी भी, कि आप इंडिया का सामान जो है कहीं बाहर नहीं भेज सकते या अमेरिका से कोई सामान नहीं मंगा सकते। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड है, कहीं भी कोई मिल सकता है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विल सब्सटेनली लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है वो आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट को थोड़ा सा कम करती है। उसके बाद, इट्स एलिमेंट मैनी फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेनिंग ब्रिक एंड मोर्टार सॉफ्ट। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ईंट वगैरह हुआ या कंक्रीट वगैरह हुआ, उसके सॉफ्ट जो भी कई जगह से उसकी कॉस्ट में भी फर्क डालती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हम पढ़ के बता देना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, इट्स प्रोवाइड अ क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स, वेरी लिटिल एफर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कस्टमर। अगर आपने किसी चीज़ का जो है ऑर्डर दिया है तो कंपनी क्या करेगी, बहुत ही कम समय में आपको वो प्रोवाइड कर देती है गुड्स। ठीक है, उसके बाद, कस्टमर कंप्लेन इट आल्सो एड्रेस क्विकली, इट आल्सो सेव टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट बोथ कस्टमर एंड कंपनी। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो अगर आप इसको वापस करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इसके कंपनी को तुरंत जो है कॉल कर देते हैं, मैसेज डाल देते हैं या कुछ भी है। आजकल तो क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है कि 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आपको भी फायदा होता है और कंपनी को भी
फायदा होता है। ठीक है, आगे द ग्रेट एडवांटेज ऑफ कन्वेंस इन ऑफर्स को कौन कौन सा होता है कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो शॉप्स होती है 24/7 ऑन रहती हैं, द वेबसाइट फंक्शन एट ऑल टाइम, इसकी वेबसाइट के जो फंक्शन होते हैं वो 24 घंटे सातों दिन काम किया करते हैं, इट डज नॉट हैव वर्किंग आवर्स लाइक अ शॉप, और इसमें जो है दुकानों की तरह ऐसा नहीं है कि दुकानें जो है अगर सुबह 10 से रात में 10 तक खुलनी है तभी खुलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपने जब भी ज़रूरत पड़े तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया और आपका जो सामान है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो हम ये लोग ये देख रहे थे, आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आल्सो आर कस्टमर टू बिजनेस एंड टच डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट। तो यहाँ भी ये होता है कि कंपनी से जो कस्टमर डायरेक्ट टच में रहता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी फायदा है। दिस अलाउज द क्विक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन एंड आल्सो गिव्स अ वैल्युएबल पर्सनल टच। तो कहने का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है, पर्सनल टच भी कंपनी के साथ में अच्छा हो जाता है, तो ये सही चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ी जो है आपके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, सबसे बड़ी बात है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो बुराइयाँ होंगी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं द स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ द ई कॉमर्स पोर्टल जो रही है, अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल शुरू करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हर इंसान के बस में ये नहीं है कि वो जो है ई कॉमर्स पोर्टल स्टार्ट कर सके। द सेटअप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द ट्रेनिंग ऑफ द कॉस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंटेंट मेंटेनेंस अपवर्क एंड द रियल आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपने एक ई कॉमर्स पोर्टल बनाना है तो उसके लिए एक तो खर्च करना पड़ेगा, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो स्टार्टअप सेटअप लगाएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, उसके बाद में फिर आपको जो है एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे पैसा वगैरह खर्च कर जाता है, तो ये कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो हर आदमी इसके बारे में नहीं सोच सकता। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ऑल्दो इट सीम्स लाइक अ श्योर टू थिंग कॉमर्स इंडस्ट्री हैज अ हाई रिस्क ऑन द फेलियर। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने ई कॉमर्स बिजनेस डाल तो दिया लेकिन इस इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर जो है प्रतियोगी समय में क्या ग्रो कर पाएगी या कुछ लॉस हो जाएगा, इसका थोड़ा रिस्क हमेशा बना रहता है और ये लोगों को जो है थोड़ा सा डराता रहता है, इसलिए लोग इसमें हाथ आजमाना कम चाहते हैं। ठीक है, तो मैनी कंपनीज राइडिंग डॉट कट वैल्यू ऑफ द 2000 हैज फेल्ड में। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थे लगभग 2000 के आसपास जो ये सब चीज़ों में फेल हो चुकी है, द रिस्क ऑफ अ फेलियर रिमेंस इवन टूडे। ठीक है, तो ये इसका जो फेलियर का आज भी जो संशय बना रहता है कि लोग इसीलिए थोड़ा डरते हैं। सिक्योरिटी इज अनदर एरिया कंसर्न, ओनली रिसेंटली वी हैव वेस्टेड इन द सिक्योरिटी ब्रांच वेयर द इन्फॉर्मेशन और कस्टमर वाज स्टोन। कहने का मतलब ये होता है कि जो सिक्योरिटी का जरिया है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि आज क्या है कि आजकल हैकर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, एडवांस हो चुके हैं, हर चीज़ में अपना हाथ आजमाते रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो है आपने जो है कुछ भी बताया तो आपकी साइट पे जो कस्टमर का डिटेल्स है वो पड़ा हुआ है, तो हैकर ने हैक करके उसके डेटा को चोरी कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो इस तरीके से ये सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट एटसेट्रा बींग कंसर्न विद द कस्टमर। तो ये भी होता है, हो सकता है कि कस्टमर ने जो है ऑनलाइन पेमेंट किया उसके क्रेडिट कार्ड्स की चोरी हो सकती है, उसमें से पैसा जो है पैसे का गबन हो सकता है, मान लीजिए उसकी आइडेंटिटी को चुराया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिसएडवांटेज में आती है। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा जैसा भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, इसलिए मैं जो है ये कंटेंट आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। तो आगे देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सभी से आप लोग परिचित हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिस इन सब चीज़ों से परिचित ना हो। ठीक है, और इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या आता है, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम। टेलीग्राम के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नया है फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा इससे परिचित हैं। टेलीग्राम क्या होता है, टेलीग्राम आपका एक मैसेजिंग ऐप होता है, ये बिल्कुल एज अ आपके व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है, ये भी आपके सिमिलर मोबाइल नंबर पे ही काम करता है, और इसमें भी आप अपने डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो चाहे टेक्स्ट हो, मीडिया हो, फाइल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, और इसमें भी आप एक ग्रुप बना सकते हैं जैसे कि आप व्हाट्सएप में ग्रुप क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीटेक क्लासेस। ठीक है, मैं वीरेंद्र एक बार फिर से मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, तो ये दूसरा लेक्चर ख़त्म हो गया, और अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि ये जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहे और इसकी जो जानकारी है लोगों तक तो पहुँचती रहे, जो कि मदद करेगी ओ लेवल
एग्जाम देने में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।